तो 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 बताओ uh, जैसे मुझे पता चला कि ये स्टार प्लस का शो है तो आई वॉज ऑल इन एनी विच वेस और मैंने बहुत ऑडिशन दिए थे इसके पहले भी कि मैं लीड के लिए ट्राई करना चाहती हूँ एंड वैन आई गॉट टू नो इट्स राहुल सर्स प्रोडक्शन सो आई वॉज़ वेरी कीन एंड एक्साइटेड टू वर्क अलॉन्ग विथ स्टार प्लस तो एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट था अलग ही लेवल की प्रिपरेशंस थी मेरे एंड से आ, जैसे साइली को बिल्ड करने के लिए भी मैंने आ, बहुत सारी चीज़ें की है जैसे टू व्हीलर सीखा दिन में मैं दो बार एक एक घंटे की क्लास लेती थी एक्टिवा सीखने की उसके बाद मैंने एक घंटा फूल की मालाएं बनाना गजरे बनाना वो सीखा फिर खुद की चबीनेस को कट डाउन करने के लिए डाइट और जिमिंग किया सो देर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क इन टू साइली एंड आई होप आप सबको बहुत ही पसंद आए कवर uh, मैं आई uh, थिंक मैं एक्चुअली ऑनेस्टली कुछ और कर रहा था जब ये शो मेरे पास आया मैं कोई और शो कर रहा था uh, पर यह शो इतना एक्साइटिंग था और इस शो की सारी ओवरऑल जो पैकेज थी वो इतनी इंटरेस्टिंग थी कि मैं वो छोड़ के यहाँ आ गया और मैंने बोला स्टाप्लस इज लाइक होम कमिंग फॉर मी या लाइक फैमिली एक आस्था ऐसी भी हो गया स्टार प्लस पे पंड्या स्टोर हो गया अब इसकी बारी है अदरवाइज स्टार नेटवर्क के साथ तो पी आर अंग्रेज़ और दो दिल एक जान वगैरह भी किए हैं तो टेक्निकली मेरे पाँच शो हो गए हैं स्टार नेटवर्क के साथ स्टार प्लस के साथ ये तीसरा है सो इट वॉज लाइक होम कमिंग फॉर मी हमेशा स्टार प्लस एक लक फैक्टर साबित हुआ है मेरे करियर में और एक मेरी जिंदगी में सो so मुझे लगा कि यार राहुल सर का शो है आई ऑलवेज वॉन्ट टू वर्क विथ हिम बी मुंबई बेस्ड शो है महाराष्ट्र बैकग्राउंड है ओके okay, ये भी मैंने कभी नहीं किया और ये मैं चाहता था और तीसरा जब मैंने कहानी सुनी और जब मैंने ब्रीफ लिया और जब एक आठ टेस्ट किए लुक देखने के लिए कि कैसा बैठा है वगैरह मुझे लगा यार ये है ये करना है मुझे पंड्या के बाद सो आई थिंक ना बोलने की कोई वजह ही नहीं थी uh, मैं बेवकूफ होता अगर मैं ना बोलता इस शो को सो so मुझे लगा कि कुछ भी हो जाए ये शो मेरे हाथ से नहीं जाना चाहिए ये शो मैं करूँगा सो या आई एम ग्लैड कि मैं ये शो कर रहा हूँ माराडी हाँ ऑनेस्टली जब शो साइन किया और जब हम ऑन फ्लोर गए उसमें कुछ दस दिन का ही गैप था तो बहुत ज्यादा ऐसे कुछ प्रेप करने का टाइम नहीं मिला बहुत कट टुकट शुरू हुए हम तो कुछ दो तीन दिन मुझे लिंगो सेट करने में लग गए क्योंकि हम लिनियर शूट नहीं कर रहे थे हम बीच, बीच का दो तीन दिन लगे मुझे थोड़ा लिंगो सेट करने में कितना कि रखना है क्या रखना है कितनी मात्रा में डालू नहीं डालू आम, तो बस उतना ही काम बाकी फिर एक बार अंदर सेट हो गया तो बाकी आपने देख ही लिया प्रोमो में लैंग्वेज तो मेरे लिए अभी तक स्ट्रगल रहा है मदर टंग गुजराती बोलना हिंदी है और अब एड ऑन हो गया मराठी सो गलत ही जा रहा है बट आई एम ट्राइंग डेफिनेटली एवरी डे इज ट्रायल पैक फॉर मी आई कैन से और बहुत मेहनत की है मराठी बोलने में भी इतना ईजी नहीं है मराठी बस यही बताना है हाँ। ऑनेस्टली मुझे वही चीज़ सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगी इस शो के बारे में कि यार ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है और महाराष्ट्र की कहानी मुंबई की कहानी और काली बिली चलाने वाला तो मैंने मैंने बोला ये एक हटके जोन है ये और ये है। हाँ और मतलब ये बहुत कम करने मिलता है टेलीविजन में इस जोन में खेलना इतनी डिटेलिंग के साथ और आ, मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा नहीं नरेटिव क्या है शो का क्या नहीं है क्योंकि जब एपिसोड देखेंगे आपको पता चली जाएगा बट ऑल इन ऑल बहुत मजा आया और जब भी मुंबई की सड़कों में कैब चलाते हुए शूट किया आ, कुछ लोग मिले रस्ते पे हम भाई में शूट कर रहे थे और उन्हें लगा कि मैं एक्चुअली टैक्सी में घूम रहा हूँ कि अरे ये तो शिवा है तू टैक्सी क्यों चला रहा है अरे तू रोड पे ऐसे क्यों भाग रहा है तो उनको बोलना पड़ा कि भाई नया शो आ रहा है रुक जाओ <laughs> तो लोगों के रिएक्शन जब मिले ना कि अच्छा ऐसा भी शो आ रहा है टैक्सी वैक्सी है उसमें अच्छा अच्छा तो मतलब लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट आएगा मुंबई में बॉर्न एंड होके मुंबई में ही शूट करना किसको नहीं पसंद हाँ। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग रहा हम दोनों के लिए आई थिंक राइट बिजनेस तो बहुत करती है साइली जैसे वो फूल की दुकान संभालती है इवेंट और छोटे मोटे ऑर्डर्स ले लेती है फूल हार माला बनाने के और साथ ही वो पोहा और चाय का स्टॉल भी संभालती है उसके साथ बाबा की गन्ने की चरखी जो है वो भी संभालती है और बीच में एक इंसिडेंट हो जाता है जहाँ पर वो प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल सर के घर पे भी एक मेड का काम करती है और बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ है साइली की जैसे आज कमाया वही वो, वो पैसों से कल घर चलने वाला है यू you know, तो, जानते सॉरी टू टू कट बट डे बेसिस पे uh, it, इस हाँ नहीं 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 शहर नहीं। में कितने लोग एक्चुअली यही जिंदगी जीते होंगे यार कितने लोग ये जिंदगी साइली जो जी रही है कितनी लड़कियाँ कितनी यंग लड़कियाँ कितनी बूढ़ी औरतें

मैं मैं बस मैं तो ये ये बहुत बिंदास है तो इनके साथ रह के मैंने ये सीखा कि टेंशन नहीं लेने का सब हो जाएगा मतलब आई माहौल को तो इट इज वेरी इजी गोइंग नेहा को मैं देखता रहता हूँ ना कि मतलब उसकी गुजराती एक्सेंट आ जाती है कभी कभी <laughs> तो वो कोशिश करती है बार बार नहीं नहीं

कि आप डिटेल डालना चाहते हो अपने कैरेक्टर में तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इतना ऐसा क्यों है ये या या अपने बाबा के साथ ऐसा अलग सा सॉफ्ट क्यों है या अपनी दादी के साथ इतना सॉफ्ट क्यों है पर जहाँ माँ और भाई भाई आते हैं उसका ऐसा है कि यूनो मेरे सामने से निकल जाओ तो वो ये इतना रफ जिंदगी में क्यों है ये आप जब शो देखोगे तब आपको पता चलेगा वो एक एंगल छोड़ के बाकी मैं पूरा रिलेट करता हूँ साइली साइली से मैं बहुत ही रिलेट कर पाती हूँ बिकॉज साइली घर की बड़ी डॉटर है और वैसे ही नेहा भी है तो आई थिंक कि आई कैन रिलेट टू साइली विद रिस्पेक्ट टू फैमिली एंड ऑल दैट थिंग वेर इन वो घर को संभालती है मेक श्योर sure करती है कि हर एक जो सिबलिंग है उसका भाई बहन है उन्हें हर चीज़ मिले या नई चीज़ करने को मिले एंड विथ रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई विल नॉट से इतना मैं रिलेट कर पाती हूँ बट आई ट्राइड टू मेक श्योर की साइली स्टैंड आउट की वॉट शी इज़ डूइंग और जो वो दिखाना चाहती है वो पोर्ट्रेट कर पाए yeah. ऐसे ही प्यार Science. देते रहिए ऐसे ही प्यार देते, देते उड़ने की आशा है हमारी इस शो के साथ बहुत ऊपर उड़ने की आशा है बारह मार्च को लॉन्च हो रहा है नौ बजे, नौ बजे। मंडे टू संडे ऑन स्टार प्लस हॉटस्टार बाद में देखने का बाय बायर <laughs>